महादेव और मेरे बीच का द्वंद इतना तीव्र हो उठा था कि उन्होंने मुझ पे प्रहार करने के लिए अपना त्रिशूल उठा लिया था। ये मुझसे अधिक और किसको ज्ञात होगा माता कि पिताश्री के त्रिशूल का कितना भयंकर परिणाम होता है। सत्य कहा गणेश तुमने, किंतु अचानक फिर मेरे मन में एक विचार कौंधा। महादेव मेरे पति, किंतु वो मेरे भगवान भी हैं और मैं उनकी भक्त, इसीलिए इसी नाते वो मेरे पिता तुल्य भी हैं। तो यदि वो अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा के लिए प्रस्तुत हुए तो वो मेरी रक्षा भी अवश्य करेंगे। ये स्मिथ हास्य क्यों है आपके मुख पर? क्या आपको इस विकट परिस्थिति में भी कोई हास परिहास की संभावना दिखाई दे रही है? आपकी पत्नी आपकी सहभागिनी अवश्य हूँ मैं नाथ, किंतु आपकी भक्त भी तो हूँ, फिर आप मुझे क्षति कैसे पहुंचा सकते हैं? आप तो परम दयालु जगत पिता महादेव हैं, आप मुझे क्षति कदापि नहीं पहुंचाएंगे, आप मुझे क्षति कदापि नहीं पहुंचाएंगे, आप मुझे क्षति कदापि नहीं पहुंचाएंगे। उचित कह रही है देवी आदि शक्ति, एक भक्त की रक्षा के लिए मैं अपने अन्य भक्त को आहत कैसे कर सकता हूं? मैं भगवान हूं, अपने भक्तों में भेदभाव नहीं कर सकता। मैं महादेव ने तब ऐसा कुछ कहा जिससे मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। मैं समझा नहीं माता, ऐसा क्या कहा पिताश्री ने? आपके इस कथन से अत्यंत प्रभावित हुआ हूं मैं, आपको वरदान देने के इच्छुक हूं। कहिए क्या इच्छा है आपकी प्रिय? स्वामी, कुछ समय पूर्व तो आप मुझसे युद्ध, मुझे नष्ट करने के लिए आतुर थे और अब आप मुझे वरदान दे रहे हैं, इसीलिए तो आतुलिक प्रेम करती हूँ मैं आपसे नाथ। और मैं ही नहीं, समस्त संसार के स्नेह और श्रद्धा के पात्र हैं आप, क्योंकि हम सभी के भोले नाथ हैं आप। बस, हमारे द्वंद का भी अंत नहीं हुआ है। आप वरदान मांगिए, उसके बाद हम युद्ध पुनः प्रारंभ करेंगे। देवी आदि शक्ति, स्मरण रखिए, जिन असुरों की आप रक्षा कर रही हैं वो तामसिक प्रवृत्ति के हैं, वो तामसिक प्रवृत्ति के हैं, और तामस तो अज्ञानता से उपजा अंधकार है जिसे मिटाना अत्यंत आवश्यक है। मांगिए प्रिय, मुझसे वरदान मांगिए। जिन असुरों की आप रक्षा कर रही हैं वो तामसिक प्रवृत्ति के हैं, वो तामसिक प्रवृत्ति के हैं। तामस तो मुझ में भी है प्रभु, तो क्या आप मुझे भी दंडित करेंगे, नष्ट कर देंगे मुझे? Yeah.
माता के अनेक रूपों में ये कदाचित उनका सर्वाधिक प्रचंड और उग्र रूप है। हमारी रक्षा करने के लिए युद्ध करने के स्थान पे ये क्या कर रही है देवी आदि शक्ति? मेरा क्रोध, मेरी उग्रता, मेरा तामस आपके समक्ष है, तो क्या आप मेरे तामस, मेरे काली रूप को भी नष्ट करेंगे ना? और तामस से तो आप भी रिक्त नहीं है प्रभु, वो तो आप में भी है। तामस मुझ में, आपके कंठ में स्थित ये हलाहल विष तामसी नहीं है क्या? और फिर आपका उग्र रूप महाकाल भी तो तामसी है। तो क्या मैं भी उसे मिटाने हेतु आप पर आक्रमण कर दूं? प्रतीत होता है महादेव और माता के मध्य युद्ध का संकट टल गया है। वार्तालाप अनर्गल प्रलाप है, अरे युद्ध से अंत होना चाहिए इस विवाद का। देवी आदि शक्ति को युद्ध करके हमारी रक्षा करनी चाहिए। स्वामी, सतो रजो तमोगुण सभी हम दोनों में ही हैं और इसमें ही संसार निर्मित है। इसीलिए इन तीनों प्रवृत्तियों के धारकों को संसार में वास करने का अधिकार है। स्वामी, आप यही विचार कर रहे हैं ना कि सतो रजो तमो इन तीनों गुणों का समावेश हम में अवश्य है, किंतु आपके कंठ में स्थित हलाहल विष वहां जगत कल्याण के लिए स्थित है और मेरी उग्रता जो मेरे काली स्वरूप में प्रकट होती है वो दुष्टों का विनाश कर जगत कल्याण ही करती है। जिन असुरों की रक्षा मैं कर रही हूँ उनकी तामसी प्रवृत्ति तो उनका स्वभाव है, और जब किसी की तामसी प्रवृत्ति की अधिकता होती है तो उससे ऐसा असंतुलन प्रकट होता है जो संसार में दुष्टता को जन्म देता है। और जब जब इन गुणों में कोई असंतुलन आएगा तामस गुण की अधिकता से किसी दुष्ट की दुष्टता संसार पर छाएगी, तब तब मैं काली उस दुष्ट का संहार करने अवतरित होंगी। मैंने अपनी भक्त दारुका और आपने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा के लिए वरदान दिया है, और अब हमें हमारी उलझन से बाहर आने के लिए मैं आपके वरदान का ही आश्रय लेती हूँ। मुझे वचन दीजिए प्रभु कि हम दोनों मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढें, जिससे हम दोनों के ही वचन की मर्यादा भंग ना हो। उचित है प्रिय, उचित है प्रिय, उचित है प्रिय। महादेव, माँ आदिशक्ति, आपके इस अर्ध नारेश्वर स्वरूप के दर्शन करके हम कृतार्थ हुए। अब आप दोनों एक होकर इस समस्या का हल सुझाएं। मेरा कहा टल नहीं सकता, किंतु मेरा वचन युग के अंत में सत्य होगा। उस समय केवल सात्विक प्रवृत्ति वाले यहां वास कर सकेंगे। किंतु तब तक मेरी भक्त दारुका भी अपने समस्त समुदाय के साथ इसी वन में वास करेगी। उचित है माता,
महादेव, मुझे आपका ये निर्णय स्वीकार है। तीनों गुण सृष्टि पर स्थित रह सकते हैं, किंतु तभी तक जब तक उनसे किसी अन्य को कष्ट न पहुंचे। किंतु यदि किसी ने इस नियम का उल्लंघन किया तो उन्हें उनके कर्मों के अनुसार दंडित होना होगा। और जब प्रलय होगी तब सभी राक्षस और तामसी प्रवृत्ति धारकों का अंत होगा। जो सात्विक होंगे वही शेष रहेंगे और भावी युगों के चक्र में प्रवेश कर सकेंगे। अगले सतयुग में भी जीवित रहेंगे। धन्यवाद महादेव, धन्यवाद माता, हम कृतार्थ हुए आपका यह निर्णय सुनकर। दारुक, ये चेतावनी है तुम्हारे लिए। तुम किसी भी अन्य जीव पर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं करोगे। तुम्हें यदि पृथ्वी के नियमों का पालन करना स्वीकार है तो तुम्हें पृथ्वी पर रहने की अनुमति है। अरे दुष्ट मनुष्य, अरे तेरे कारण हुआ है सब कुछ। स्वामी आप ये क्या कह रहे हैं? अरे क्या कह रहा हूँ, ये माने छलना किए तेरे साथ। आदिशक्ति, और तुम अभी इसका सम्मान करिए। अरे मूर्ख स्त्री, समझ इनके। स्वामी मेरा अपमान क्यों कर रहे हैं? और तू बंदी बनकर आया था, तूने महादेव का आह्वान किया, दुआ सुबह है और हमसे जीवन का अधिकार छीन रहा है तू। नहीं छोड़ूंगा। और महादेव, आदिशक्ति, मुझे तुम्हारा यह निर्णय स्वीकार नहीं है। अरे इस ब्रह्मांड का नियम है कि जो शक्तिशाली है प्रभुता उसी की होगी, और ये तुच्छ पुरुष ये मेरे सामने खड़े रहेंगे, मेरे आहार हैं ये, मैं खाऊंगा इनको, और तू जीवित नहीं बचेगा। नहीं स्वामी नहीं, हट जा मेरे रास्ते से, अगर तू बाधा बनेगी तो तू भी नहीं बचेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी आदि शक्ति की उपस्थिति में तूने इतना दुस्साहस कैसे किया? इतना अहंकार करने वाला तू है कौन? नहीं, शक्ति ने बार बार तेरी रक्षा की, यहाँ तक कि वो तेरे लिए महादेव के भी विरुद्ध चली गई, और तूने अपना अहंकार, अपना तामस नहीं त्यागा। अब तुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, तेरा अंत निकट है। देवी काली मेरा वध नहीं कर सकती। अब तुझे तेरे अंत से कोई नहीं बचा सकता। विनाश काले विपरीत बुद्धि, समय रहते यदि ये अज्ञानता का अंधकार मिटा लेता तो कदाचित सुरक्षित रहता। तामसी होने का अर्थ अन्यायी, अत्याचारी नहीं होता, और जब जब तामस की अति होगी मैं उसका नाश अवश्य करूंगी। वरदान का अनुचित लाभ उठाने वाले का यही परिणाम होता है। अनेक अवसर देने पर भी जो उचित मार्ग पर ना चले
पाप में लिप्त रहे उसे अपने पापों की पराकाष्ठा का उचित दंड तो भुगतना ही पड़ता है, जो मैं अब दूंगी तुम्हें। अन्याय को मिटाना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए यदि असुर अन्यायपूर्ण आचरण करेंगे तो उसे मिटाने में मैं कदापि संकोच नहीं करूंगी। माता, माता, हमें क्षमा कर दीजिए। माता, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मुझे नहीं ज्ञात था मेरे स्वामी इतना अन्याय करेंगे। मुझे मेरी भूलों का, मेरे पापों का इतना बड़ा दंड मत दीजिए। माता, मैंने जो भी किया अपने पति के लिए किया, अब उनके बिना मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। माता, क्षमा कर दीजिए। माता, हमें एक अवसर दीजिए। माता, अंतिम बार मुझ पर दया कीजिए, मेरे पति को पुनर्जीवित कर दीजिए। माता, ये आप ही कर सकती है। माता, आप कर सकती है। माता, आप कर सकती है। धन्यवाद माता। स्वामी, 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 स्वामी। मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। दारुक, आज तक तुमने जो किया और आज जो कुछ भी हुआ उससे ये स्पष्ट है कि तुम विश्वास के पात्र नहीं हो। तुम्हारी और सभी असुरों की तामसी प्रवृत्ति तुम पर हावी हो जाती है। तुम्हारा अभिमान तुम्हारी बुद्धि और विवेक को डस लेता है और तब तुम जो करते हो वो अनुचित ही होता है, अन्य जीवों के लिए संकट बनकर उभरता है। मैं वचन देता हूँ प्रभु, आज के बाद मैं कोई दुराचारी जीवन नहीं जीऊंगा। मैं कोई दुराव्यवहार नहीं करूंगा। मैं सदाचारी जीवन जीऊंगा प्रभु। हरुका, समझा। देवी आदि शक्ति को दिए वचन को तुम भंग न करो। सदा स्मरण रखो कि तुमने सदाचार को अपनाने का प्रण लिया है। मेरा और देवी आदि शक्ति का यहाँ स्थापित होना अति आवश्यक है। और जब भी तुम हमारा दर्शन करोगे, तुम अन्य किसी पर भी अत्याचार का विचार भूल जाओगे। मेरा ये ज्योतिर्लिंग नागेश्वर नाम से जाना जाएगा और स्थान पर देवी आदि शक्ति नागेश्वरी नाम से स्थापित होंगी। यहाँ जो प्रेम और श्रद्धा से हमारे दर्शन करेगा उसमें चक्रवर्ती सम्राट बनने की योग्यता उत्पन्न होगी। आज मैं ये घोषणा करता हूँ, इस कलयुग के अंत के बाद
भावी सतयुग में मेरी भक्ति से प्रेरित पराक्रमी राजा वीर सेन यहाँ मेरे दर्शन करेगा और अत्यंत शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। प्रकार मैंने तीनों प्रवृत्तियों को पृथ्वी पर वास करने की अनुमति दी। माता, आपकी लीला अद्भुत है। सर्वप्रथम आपने त्रिमूर्ति और उनकी सहभागिनी देवियों की रचना की, फिर जीवों के निवास हेतु पृथ्वी का निर्माण किया, फिर जीवन ऊर्जा प्रदान करने वाले सूर्य, फिर 84 लाख योनियों के साथ साथ वृक्ष पौधे से युक्त प्रकृति की रचना की। फिर माता, आपने विभिन्न जीवों के निवास के लिए उपयुक्त लोक रचे। और अब त्रिगुण को एक साथ पृथ्वी पर स्थित रहने की अनुमति दी। यदि वो विशेष रूप से तामसी प्रवृत्ति के जीवन अपनी सीमा का उल्लंघन ना करें और अन्य जीवों को कष्ट ना पहुंचाएं। त्रैलोक्य पूजिते देवी कमले विष्णु बल्लभे यथा त्वमचल कृष्णे तथा भवमयी स्थिरा। माँ, किंतु मेरी एक शंका है। शंका है या प्रश्न? माता, शंका तो प्रश्न की जननी है। शंका से ही तो प्रश्न उत्पन्न होता है। तू उचित कहता है गणेश, तो पूछता क्यों नहीं? पूछ। तेरी शंका से उत्पन्न हुआ तेरा प्रश्न। माँ, अब क्या सब कुशल था? क्या तामसी असुर सदाचार पर स्थित रहे? ये कैसा प्रश्न है? यदि सब कुशल होता तो मैं अपना छिन्न मस्ता महाविद्या रूप धारण क्यों करती? आपका छिन्न मस्ता स्वरूप माता? हाँ, मेरा वो विकराल स्वरूप जो मैं किसी महान उद्देश्य के लिए धारण करती। किंतु माता, अब देवी छिन्न मस्ता के रूप में आपका प्रकट होना क्यों आवश्यक? क्योंकि दुष्टों ने अपनी दुष्टता का परित्याग नहीं किया। उन दुराचार असुरों को पुनः उचित पाठ सिखाना था मुझे। किंतु माता, आपने देवी काली रूप में दारुक पर प्राणघातक आघात किया था, फिर उसकी पत्नी दारुका ने आपसे दया की भिक्षा मांगी तो आपने दारुक को भी क्षमा कर दिया। किंतु उन दोनों ने आपको वचन दिया था माता कि वो सदा सत्कर्म करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे। इतनी कठोर चेतावनी प्राप्त होने के बाद भी दारुक पुनः दुराचार करने लगा क्या? असुरी प्रवृत्ति इतनी सरलता से कहा जाती है, अपने सिवाय उन्हें किसी का भी भला स्वीकार नहीं, जो प्राप्त है उससे संतुष्ट नहीं। दूसरों को कष्ट देकर उनसे उनका अधिकार छीनने में ही असुरों को आनंद आता है, जो उन्होंने पुनः किया। किंतु इस बार असुरी आतंक का कारण दारुक नहीं, किंतु एक और भयंकर असुर था जिसका नाम था एकाक्ष। एकाक्ष, एकाक्ष। दारुक और दारुका को शांति पूर्वक पृथ्वी पर अपने वन में हुए सहस्त्रों वर्ष व्यतीत हो चुके थे। सभी 14 लोकों में पूर्ण शांति थी, क्योंकि सभी जीव एक साथ शांति पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे थे। किंतु फिर भी रसातल में तामस गुण ने पुनः अपना शीश उठाकर राजस गुण पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया। एक नवीन असुर पुनः अधीर अशांत हो उठा और इसका प्रारंभ हुआ। असुर एक नेत्र वाला, एकाक्ष, एकाक्ष।
अत्यंत कुटिल और दुष्ट असुर था एकाक्ष। उसका कुशासन रसातल को इतनी दयनीय स्थिति में पहुंचा चुका था कि भोजन के अभाव में उसकी प्रजा अपने ही नन्हे बालकों को आहार बनाने पर विवश थी। किंतु इस दीन अवस्था में सुधार लाने के स्थान पर उसने इसका दोष दारुक पर मंड दिया। अपने सहयोगी बुद्धि और दंतक की बुद्धि में यह विष भरा था कि दारुक और दारुका पृथ्वी पर असुर साम्राज्य स्थापित करने गए हैं, किंतु उसके कारण महादेव का श्राप मिला और असुरों की बुरी अवस्था हुई। अपने असुरों को भड़काकर स्वर्ग पर आक्रमण करना चाहता था वो। और एक दिवस सहूंगा मैं, मेरे असुरों की दीनहीन अवस्था मैं असुरों को नष्ट नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। मैंने जब अपने भुवनेश्वरी स्वरूप में समस्त लोगों की रचना की थी तो उन सभी पर जीवन हेतु सभी साधन उपलब्ध किए थे। रसातल लोक भी तब पृथ्वी के समान पूर्ण रूप से संपन्न था। मैंने तो धरती पर प्रचुर मात्रा में संसाधन दिए कि सभी प्राणी अपना अपना जीवन यापन करें, किंतु असुरों की लालच की अधिकता ने इस संसाधन को नष्ट कर संपूर्ण वन को ही समूल उजाड़ दिया। एक नवीन उत्साह के साथ जागो, परिस्थिति बदल चुकी है। अब असुरों द्वारा नवीन अध्याय लिखने का यही उचित अवसर है, जागो। किसी भी प्रकार का भोजन चाहिए हमें, भूख लगी है हमें, भोजन चाहिए हमें, किसी भी प्रकार का भोजन चाहिए हमें, भूख लगी है। असुर सम्राट, क्या हमें भोजन के लिए पुकार रहे हैं? कदाचित चलकर हमें देखना होगा, अवश्य ही हम सबको भोजन प्राप्त होगा। देखो क्या हो गए हैं हम, जीवित होते हुए भी मृतकों के समान हो गए हैं हम। बस बहुत हो गया, सदियों से हम असुरों के साथ अन्याय होते हुए आया है, किंतु अब नहीं होगा। ये उजाड़ लोक ही मिला है हम असुरों, राक्षसों, दैत्य और दानवों को, जबकि हमें ज्ञात है हमारे ऊपर हमसे उत्तम 12 लोक हैं। हम पृथ्वी पर नहीं जा सकते क्योंकि उस कपटी दारुक के जीवन की रक्षा के लिए आदिदेव महादेव ने हमें श्राप दिया है। ऋषियों और वहां के मनुष्यों को अपना आहार भी नहीं बना सकते हम, किंतु उसका कोई दुख नहीं है मुझे, क्योंकि जब उससे भी उत्तम लोक उपलब्ध है तो हम पृथ्वी से संतुष्ट क्यों हो? स्वर्ग लोक,
स्वर्ग लोक चाहिए हमें, स्वर्ग लोक चाहिए, स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक। हम वहां जाएंगे जो स्रोत है शक्ति धन संपत्ति और सभी सुख सुविधाओं का, वो दुष्ट देवता जो सदियों से स्वर्ग लोक का सुख भोग रहे हैं। अब हम उन्हें उचित पाठ पढ़ाएंगे, स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करेंगे, स्वर्ग लोक हमारा होगा असुरों का। हमें स्वर्ग लोक चाहिए, हमें स्वर्ग लोक चाहिए, स्वर्ग लोक चाहिए, हमें स्वर्ग लोक चाहिए, हमें स्वर्ग लोक चाहिए, हमें स्वर्ग लोक, हमें स्वर्ग लोक चाहिए, स्वर्ग लोक चाहिए, हमें हमें स्वर्ग लोक चाहिए। माता, ये परिस्थिति तो सत्य में विकट थी, फिर आपने क्या किया? समय आ गया है, अब हम स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करेंगे, स्वर्ग लोक हमारा होगा असुरों का। असुर सम्राट, ये लोग भले ही युद्ध के लिए लालायित हैं, किंतु क्या इनमें इतनी शक्ति है? देखिए कितने क्षीण हो चुके हैं ये, और देवताओं को युद्ध में परास्त करने के लिए हमें शक्तिशाली सेना की आवश्यकता है। यदि इन असुर सेनाओं द्वारा हमें स्वर्ग लोक पर आधिपत्य स्थापित करना है तो सबसे पूर्व इनके भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अन्यथा इन निर्बलों को शक्ति नहीं मिलेगी। उचित कहता है दंतक। असुरो, आज से नवीन नियम लागू होगा यहाँ। अब तुम सब बालकों का नहीं राक्षसियों का भक्षण करोगे, भक्षण करोगे, भक्षण करोगे, भक्षण करोगे, भक्षण करोगे। जाओ और अपना भोजन आरंभ करो और अपनी शक्ति बढ़ाओ। जाओ। असुर स्त्रियों का भक्षण, ऐसा आदेश क्यों दिया सम्राट? एक कपटी स्त्री आदि शक्ति की भक्त तारुका के कारण हमारी यह स्थिति हुई है, ये कदापि मत भूलो बाबूज। वो स्वयं तो चली गई यहाँ से, किंतु हमें हमारी दुर्दशा के लिए यहाँ पीछे छोड़ गई। हमारी दुर्बलता है ये राक्षसियाँ, भूल जाएंगी आदि शक्ति की भक्ति करना, और वैसे भी अब हमें इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वर्ग की अप्सराएं हमारी प्रतीक्षा जो कर रही है। अत्यंत दुष्ट था ना ये राक्षस माता, एक दारुका पर क्रोध के कारण इतना बड़ा अन्याय किया उसने। अपने ही समुदाय की स्त्रियों को, सभी असुर स्त्रियों को इतनी भयानक मृत्यु का दंड दिया, ये भी नहीं सोचा उसे जन्म देने वाली भी एक नारी ही है। दुराचारी राक्षसों में भी इस राक्षसता ये कृत्य, स्त्रियों पर ऐसा आघात तो नीचता की पराकाष्ठा है। असुरों की तामसी प्रवृत्ति यही होती है गणेश, दया ममता कलेश मात्र भी नहीं होता उनमें,
होता है तो एकमात्र अहंकार का अंधकार। दारुक से भी अधिक कुटिल और दुष्ट था एकाक्ष, और जो वो चाहता था उसके लिए वो किसी भी सीमा का उल्लंघन करने के लिए तैयार था। और फिर जो उसे चाहिए था वो उसने प्राप्त कर ही लिया। अर्थात एकाक्ष अपने राक्षसों की सेना लेकर स्वर्ग पहुंचा, जिसके कारण ऐसा भूकंपन हुआ कि स्वर्ग ही कंपित हो उठा। देव सभा सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार कर चुकी है और अन्य समाचार भी संतोषजनक है। पृथ्वी पर संतुलन शांतिपूर्वक स्थापित है। ऋषिगण, स्त्रियां, मनुष्य सभी सुरक्षित हैं और असुरों ने अन्य जीवों के साथ शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना सीख ही लिया। मैं सहमत हूं इंद्रदेव, दारुक के आतंक के पश्चात पृथ्वी पर शांति के लिए हम निरंतर दृष्टि बनाए हुए हैं। वहां सर्वत्र शांति है। हाँ सूर्यदेव, आप उचित कह रहे हैं, किंतु हमें तब भी सतर्क रहना चाहिए क्योंकि इन असुरों का कदापि विश्वास नहीं किया जा सकता। वो किसी भी समय कोई ना कोई नवीन संकट अवश्य उत्पन्न कर सकते हैं। इंद्र, इंद्र! इसका स्वर था ये? स्वर्गलोक का कोई भी वासी मुझे इस प्रकार नहीं पुकार सकता, तो फिर कौन है ये? कौन हो तुम और यहां स्वर्गलोक आकर इतनी धृष्टता से मेरा नाम लेने का दुस्साहस क्यों कर रहे हो? उत्तम, अति उत्तम, दमक दमक से परिपूर्ण है स्वर्गलोक। सुंदर, अति सुंदर। बहुत सुना था स्वर्गलोक संपन्न है, समृद्ध है, और आज अपने एकमात्र नेत्र से देख भी लिया। जो कुछ सुना था सत्य था। और समझ में भी आ गया कि तुम देवता गण अपने इस स्वर्ग लोक की रक्षा क्यों करते हो। और क्यों ना करो रक्षा? ये दुष्ट क्यों आया है यहां? रक्षा करने योग्य सभी कुछ तो है तुम देवताओं के पास। बड़े ठाट हैं तुम देवताओं के। इतने सुंदर भवन है तुम्हारे, आभूषण है, रेशमी वस्त्र है, और शीश पर धारण करने हेतु इतने सुंदर सुंदर मुकुट है। स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध है यहाँ, और वो जिनसे मैं और मेरे असुर सर्वाधिक मुग्ध है, और वो अनेकों अद्भुत सुंदरियां है। बस
अब ना एक भी शब्द कहना और ना ही एक भी पग आगे बढ़ाना, अन्यथा इसका भीषण परिणाम भुगतना होगा तुम्हें। ओ इंद्रदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या करता, तुम्हारा ये सुंदर लोक देखकर सब कुछ स्वयं मेरे मुख से निकलता ही चला गया। किंतु अब मेरे शब्दों को ध्यान से सुन लो देवताओं। अब तुम्हारे गीदड़ भभकी से भयभीत नहीं होऊंगा मैं, कदापि नहीं। परिणाम तो अब तुम्हारा अच्छा नहीं होगा इंद्रदेव, क्योंकि अब तुम्हारे राज की इति समाप्ति करूंगा मैं। तुम देवता यहां स्वर्ण सिंहासन पर विराजित हो और हम वहां कंकड़ पत्थर की शैया पर विश्राम करने के लिए विवश हैं। तुम देवतागण यहाँ भोग और विलास का जीवन बिता रहे हो और वहाँ मेरे असुर भूख और प्यास से मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ये उचित नहीं है, कदापि उचित नहीं है। मूर्ख असुर, तुम्हारे कर्मों के कारण ही माता महाकाली ने तुम्हें रसातल लोक में स्थित किया है, किंतु तुमने वहाँ पे भी कुकर्म किए, अपने सारे साधन नष्ट कर दिए। जब तुम ही प्रकृति का निराधार करोगे तो प्रकृति तुम्हारे साथ कैसे रहेगी, और जब प्रकृति नहीं रहेगी तो तुम्हें कष्ट ही कष्ट होगा। प्रवचन बंद करो अपना सूर्यदेव, उधर भरा है इसलिए मुख से ज्ञान फूट रहा है, किंतु भूख लगने पर ज्ञान नहीं मात्र भोजन की इच्छा होती है, भोजन की। तो ठीक है, परिस्थिति उलट देते हैं। तुम कोमल देवता हमारा स्थान ले लो और हम असुर रहेंगे स्वर्गलोक में। कदाचित तुम ऐसे मानोगे नहीं, प्रतीत होता है बलपूर्वक मुझे तुम्हें रसातल लोक लौटाना ही होगा। अर्थात यह असुर काकी नहीं है। मेरे योद्धाओं और उनके अस्त्रों के समक्ष तुम शक्तिहीन हो इंद्रदेव, शक्तिहीन। ये देखो, मेरा योद्धा और तुम्हारी पराजय का स्वरूप। और दूसरा तुम देवताओं के लिए तो मेरे योद्धा ही पर्याप्त है, किंतु चिंता मत करो, ये तुम्हें अधिक कष्ट नहीं देंगे। बस बस, बहुत बोल चुके तुम, अब और नहीं। तो दिखाओ अपना पराक्रम और शांत कर दो मेरा क्रोध, अन्यथा ये स्वर्ग लोक छोड़कर चले जाओ रसातल में। दंतक। हुँ।
कदाचित थोड़ा कष्ट तो तुम्हें देना ही चाहिए इंद्रदेव। तुम्हें कष्ट देने के सुख से मैं कैसे वंचित रह सकता हूँ। बाओ बोल, दिखाओ अपना पराक्रम। दुष्ट असुर, शीघ्र अंत करूंगा मैं तुम्हारा। साहस ये करो, हम देवताओं का सामना नहीं कर पाओगे तुम। तुम कितने भी प्रयास क्यों ना कर लो, मुझे आगे बढ़ने से कदापि नहीं रोक पाओगे, कदापि नहीं। स्वर्ग पर आक्रमण करने की तुम्हारी उद्दंडता का दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा दुष्ट असुर। हम देवताओं की शक्ति से पार पाना इतना सहज नहीं है। क्यों, परिचय प्राप्त हो गया ना हमारे बल का? स्मरण रहे, तुम्हारा सामना देवराज इंद्र से हुआ था। अपने असुरों को लेकर लौट जाओ अपने लोक, अन्यथा पुनः दया नहीं करूंगा मैं। चलिए देवगण। स्वीकार करता हूं मैं, भूल हो गई मुझसे, थोड़ा कम आंक लिया था मैंने तुम देवताओं को। तो ठीक है, अब मैं युद्ध का नियम परिवर्तित करता हूं। अब एक देवता और एक असुर में युद्ध नहीं होगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी का आह्वान कर रहा है। अब ये ध्वनि कैसी? ये ध्वनि सुनाई दे रही है किंतु
कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये क्या है हमारे समक्ष? ये कैसे विचित्र और भयंकर असुर है? और अपनी भयानक ध्वनि के साथ ये हमारी ओर ही बड़े आ रहे हैं। देवताओं, अब आएगा आनंद युद्ध का। क्यों देवताओं, कैसा लगा मेरा उपहार? स्वर्ग लोक आया हूँ, असुर हूँ, किंतु कुछ नियम मैं भी जानता हूँ, इसलिए अपने अनुसार उचित उपहार लाया हूँ तुम सभी के लिए। भोजन प्राप्त होगा हमें, आक्रमण करेंगे हम, स्वर्ग लोक पर अधिकार करेंगे, असुरों का साम्राज्य होगा, स्वर्ग लोक हमारा होगा। भोजन प्राप्त होगा हमें, स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार होगा, भोजन करेंगे। ससुर समूह का क्या करें हम? आक्रमण! देवगन, अपने अपने अस्त्रों का आवाहन कीजिए और नष्ट कर दीजिए इन दुष्टों को। किंतु हमारे प्रहारों से नष्ट होंगे देवता। देवगन, और शक्तिशाली प्रहार कीजिए इन पर। हमारे निकट पहुंचे इसके पूर्व ही इन्हें रोकना होगा हमें।
मैं सूर्यदेव तुम्हें अपनी ऊर्जा से भस्म कर दूंगा। संकट विकट, ये असुर तो असंख्य, इन्हें कहां तक नष्ट करेंगे हम? सूर्यदेव, अग्निदेव, वरुणदेव, वायुदेव सभी घिरे हुए। ये दुष्ट कुछ नष्ट होते हैं तो उनसे अनेक गुना अधिक उत्पन्न भी हो जाते। अब कहो देवताओं, आनंद आया? अब बोलो, इस युद्ध के पश्चात किसका अधिकार रहेगा स्वर्ग लोक पर? असुर सम्राट, देखा आपने, मैंने कहा था ना, यदि हमारी सेना शक्तिशाली हुई तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। उचित था, तुम्हारा कथन उचित था दंतक। अब कुछ ही समय में देवताओं की पराजय निश्चित है, निश्चित। उन असुरों से युद्ध के लिए देव सेना भी प्रकट हुई, किंतु उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो गए, क्योंकि देवता और उनकी सेना नहीं टिक सकी उन दुष्ट असुरों के समक्ष। इस युद्ध में हमारा सफल होना संभव नहीं है, हमारी सुरक्षा संकट में आ जाएगी, हमें इसी क्षण यहाँ से प्रस्थान करना होगा। मुझे ज्ञात था यही होगा, यही। भाग गए सभी भीरु देवता, ज्ञात था मुझे विजयी होंगे हम। स्वर्ग लोक पर अब हमारा, हम मसरों का अधिकार होगा, हम मसरों का। आप सभी देवता स्वर्गलोक असुरक्षित छोड़कर चले गए। उस समय हम निरुपाय हो गए थे प्रथम पूज्य गणेश जी, उन असंख्य रक्त पिपासु कीट असुरों के समक्ष लाचार थे हम, और स्थिति हमारे नियंत्रण के बाहर हो चुकी थी, इसलिए उस समय युद्ध को छोड़कर स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक था, जिससे भविष्य में हम सहायता प्राप्त कर उन असुरों का सामना कर सके और स्वर्गलोक को उनके प्रभाव से मुक्त करा सके। तो सहायता के लिए आप कहां गए थे देवराजेंद्र? उसे एकमात्र शक्ति के पास, जो स्थिति में हमारी सहायक बन सकती थी। कदाचित मैं समझ गया वो शक्ति कौन थी। जब जब संसार में पाप की अति होती, मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवश्य प्रकट होती, ये निश्चित। पाप और पापियों का सर्वनाश अवश्य होगा। मेरे अगले अवतार के प्रकट होने का समय आ गया, देवी छिन्मस्ता। Ha 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 ha!
स्वर्ग लोक पर अब मेरा और मेरे असुरों का अधिकार है, मेरा। ये भोग विलास, ये सुख सुविधाओं भरा जीवन, इस सब पर अब हमारा असुरों का अधिकार है, असुरों का। ये सब अब हमारा है, हमारा। और मैं हूँ स्वर्ग लोक का सम्राट, सम्राट एकाक्ष। ये सब अब हमारा है, हमारा। कैसा भयंकर स्वर है ये, कौन है? कैसा भयंकर स्वर है ये, कौन है? असुर, इतना भी नहीं समझता तू कि जिस पद पर आसीन होने की योग्यता ना हो उस पर आसीन होने का परिणाम होता है सर्वनाश। तुम चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छिन्नमस्ता, माँ के रूप में अपनी संतानों को ममता दे सकती हूँ, तो माता के ही रूप में उनकी रक्षा के लिए दुष्टों का संहार भी तो कर सकती हूँ। माँ के रूप में अपनी संतानों को ममता दे सकती हूँ, तो माता के ही रूप में दुष्टों को दंडित भी तो कर सकती हूँ। माता, आप देवी छिन्नमस्ता के रूप में एकाक्ष से युद्ध करने चली गई? युद्ध करने कहा, मैं तो उसका काल बनकर गई थी वहाँ। साक्षात आपके विकराल रूप में आपको अपने समक्ष पाकर, आपकी चेतावनी सुनकर भयाक्रांत तो अवश्य हुआ होगा वो दुष्ट एकाक्ष, और अपने प्राणों की रक्षा हेतु वहाँ से भाग भी गया होगा, है ना माता? मेरे उस रूप में काल था उसके समक्ष, किंतु वो मूर्ख मुझसे क्षमा याचना करने के स्थान पर मुझे और भी उत्तेजित कर रहा था। क्या, आपको उत्तेजित करने लगा? किंतु क्यों माता?
विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो क्या इसका अर्थ है कि दुष्ट एकाक्ष ने अपना अहंकार अभी नहीं त्यागा था? कौन है ये दुष्टा देवी जिसने मेरा असुर सम्राट एकाक्ष का अपमान करने का दुस्साहस किया है? तुम चाहे जो भी हो, तुम्हें तुम्हारी इस उद्दंडता का दंड अवश्य मिलेगा, अभी इसी समय मिलेगा। मुझे चुनौती देकर इस देवी ने कितनी बड़ी भूल की है ये इसे अभी ज्ञात होगा। प्रणाम माता रा। वाह, उत्तम, अति उत्तम, आनंद आया तुम्हें अपने सम्मुख देखकर देवी। या स्वर्ग में तो मैं बहुत आनंदित हो रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं असुर सम्राट आप? ये देवी आप पर वार करने को तत्पर है, आपको चुनौती दे रही है, और आप क्रोधित होने के स्थान पर आनंदित हो रहे हैं। उचित कहता है दंतक, हम कुछ समझे नहीं। समझो मेरे असुरो, समझो। यह स्वर्ग में आभूषण है, अमूल्य रत्न है, देवता है, अप्सरा है, ये सब तो ज्ञात था मुझे। किंतु यहाँ देवी भी है, इसका भान नहीं था मुझे। ये तो उन सब से भी उत्तम है, बलशाली है। ऐसी देवी से युद्ध हो तो आनंद का आभास स्वाभाविक है। नीचता तो इन असुरों का स्वभाव है, कभी तो माता के प्रति इतने अपमानजनक शब्द बोल रहा है ये दुष्ट। सर्वथा उचित कहा सम्राट आपने। हाँ, ऐसी शक्तिशाली स्त्री और हमारी शत्रु, तो उसका अंत करने में हमें आनंद होगा। कहो देवी, तुम अपने सभी राजाओं का स्वागत ऐसे ही करती हो, या ये विशेष स्वागत है स्वर्ग लोक के नवीन राजा असुर सम्राट एकाक्ष के लिए ही है? स्वर्ग का राजा है तू? स्वयं को लेकर बहुत भ्रम पाल रखे हैं तूने, किंतु चिंता मत कर एकाक्ष, एक एक करके तेरे सारे भ्रम नष्ट कर दूंगी मैं। शक्तिशाली है ये देवी, किंतु दंड भी है। भ्रम तो इस देवी को है अपनी शक्ति का, जिसे शीघ्र मिटाएंगे हम। एक बार असुर सम्राट एकाक्ष हमें आदेश तो दें, इस देवी का अंत करेंगे हम। मैंने इंद्र और अन्य देवताओं को स्वर्ग लोक से भगा दिया, तो उसने अपने स्थान पर तुम्हें यहाँ भेज दिया देवी। किंतु कदाचित तुम्हें अपनी जिह्वा पर नियंत्रण करना नहीं सिखाया। बहुत छूट प्राप्त है तुम देवियों को यहाँ स्वर्ग में, जो अनुचित है, किंतु अब मैं आ गया हूँ।
सब उचित कर दूंगा, सब। मेरे राज्य में स्त्रियों को मैं ना दंतक, तुम ही बताओ इस देवी को, हमने रसातल लोक में असुर स्त्रियों राक्षसियों के साथ क्या किया था, बताओ। असुर स्त्रियां, राक्षसियां, असुर सम्राट, हमारे रसातल लोक में तो स्त्रियां है ही नहीं। अब इस अबोध देवी को ये भी बता दो कि हमारे लोक में स्त्रियां क्यों नहीं है। असुर सम्राट, आपके आदेश के अनुसार रसातल लोक की सारी स्त्रियां, सारी राक्षसी को तो हम आहार बना चुके हैं। इतनी निर्दय था, अपनी स्त्रियों को आहार बना लिया। सुना तुमने देवे, अब स्वर्ग लोक में भी अप्सरा और देवियों की यही स्थिति होगी, यही। सर्वप्रथम मेरा सामना तो करे काक्ष, तभी अन्य देवियों से भेंट कर सकेगा तू। नहीं 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 नहीं, मैं भला एक अबला देवी का वध क्यों करूं? ये अनुचित है देवी, तुम्हारे लिए तो मेरा योद्धा ही पर्याप्त है। दंतक, जाओ और अपनी शक्ति दिखाकर उचित पाठ पढ़ाओ इस दुस्साहसी देवी को। अवश्य असुर सम्राट, इस स्त्री से युद्ध करके मुझे असीम आनंद की प्राप्ति होगी। माता पर आक्रमण करेगा ये दुष्ट, इसे ज्ञात नहीं इसका कितना भीषण परिणाम भुगतना होगा इसे। देवी, अब दंडित होने के लिए तैयार हो जाओ तुम। देवी, तुम्हारा अंत करूंगा मैं। ये कैसे हो गया? मेरा अस्त्र नष्ट हो गया, मेरा प्रहार असफल हो गया। माता, ये दूसरी देवी कहां से प्रकट हो गई? तुच्छ असुर, इतना दुस्साहस किया तूने, तेरी मृत्यु तेरे समक्ष खड़ी है और उसे पहचानने के स्थान पर अपने अहंकार वश उसी पर आक्रमण करने लगा तू, मूर्ख। मृत्यु और दंतक की इस देवी के हाथों ये कदापि संभव नहीं। ए देवी, तुमने मेरा अस्त्र नष्ट करने का अक्षम्य अपराध किया है, जिसका दंड है तुम्हारी मृत्यु। Ugh!
मेरे मस्तक से दंतक की शक्ति का सामना ही नहीं किया इसने, अपितु उसे ताड़ना भी दे रही है ये देवी। ये पीड़ा मुझसे सहन नहीं होती। अभी तो ये पीड़ा का आरंभ है दुष्ट। मेरा दंत मेरे मस्तक से विलग कर दिया। बस इतनी ही शक्ति है तेरे इस अनुचर दंतक में? इसके बल पर तू स्वर्ग पर राज करना चाहता था। दंतक, अपनी पीड़ा को भूलकर वार करो। एक स्त्री से पराजित मत होना दंतक, कदापि नहीं। अब इस देवी को पराजित ही नहीं वरन इसका अंत करूंगा, अंत करूंगा। दुष्टा ने अंत कर दिया दंतक का। आप चिंता ना करें असुर सम्राट, इस देवी के अपराध का मैं उचित दंड दूंगा। जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। मेरे बंधु दंतक का वध करके कहां चली गई? सामने आओ तारा। क्या इसी भय से लुप्त हो गई तुम? आओ समक्ष मेरे, कहां गई?
तुम्हारे ही कारण ये सब हुआ है। तुम असुर सम्राट का वध करने आई थी ना, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हीं ने उस मायावी देवी को उत्पन्न किया यहाँ, तो अब मैं दंतक के वध का कठोर दंड दूंगा तुम्हें। तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, मृत्यु होगी तुम्हारी, मृत्यु, क्योंकि तुम्हारा काल बाहुभुज तुम्हारी ओर बढ़ा रहा है। ये तुम्हें मसल कर तुम्हारे प्राणों को तुम्हारे शरीर से विलग कर देगा, विलग। ये राक्षस तो बहुत विकराल और बहुत विशाल है। हाँ सूर्यदेव, चिंता तो मुझे भी हो रही है, किंतु माता की नहीं, इस असुर की। इसे ज्ञात नहीं इसके दुस्साहस का कितना भीषण परिणाम हो सकता है। नहीं, कोई नहीं है वहां, जो है बस यही देवी है। दंतक के वध का प्रतिशोध इसी से लूंगा मैं, इसी का अंत करूंगा। क्या हुआ असुर, अपनी गति धीमी क्यों कर दी? क्या था, कुछ तो था यहाँ, यह मात्र मेरी कल्पना थी। जय काली, जय काली, जय काली, जय काली, जय काली, जय काली। और जो भी था अब कहाँ गया, अब क्यों नहीं दिखाई देता मुझे? ये किसका स्वर है? किसे ढूंढ रहा है दुष्ट? प्रणाम माता काली। ये कैसी भयंकर देवी है जिसके दर्शन से ही आतंकित हो रहा हूं मैं। क्यों रुक क्यों गया, आगे बढ़, वार कर मुझ पर। बाहुभोज, यही उत्तम अवसर है, एक साथ दोनों का वध कर दो, एक साथ। रुको मत बाहुभोज, तुमने तो इससे अधिक शक्तिशाली राक्षसियों का वध किया है, भक्षण किया है उनका, आगे बढ़ो। बाहुभोज तुम्हें अब किस बात का भय, आगे बढ़ो। भक्षण, भक्षण ही करना है इन दोनों का मुझे, और यही करूंगा मैं। Thank you.
विनाशक अस्त्र को ऐसे कुंडक के समान थाम लिया इस देवी ने। विश्वास नहीं होता, कैसे संभव है ये? अवश्य ही ये भी कोई माया है इस देवी की। बाहुभुज को आगे बढ़ना ही होगा, वध करना होगा इसका। ये है तेरा अस्त्र जिससे तू मेरा वध करना चाहता था। छीन रहा था। बोल, तेरा अस्त्र मैंने छीन लिया तो अच्छा लगा तुझे? ये तुम क्या कर रहे हो बाबूज? ये समय क्रीड़ा का नहीं है। अपनी संहारक शक्ति का प्रदर्शन करो। यदि यह तुम्हारा अस्त्र नहीं लौटाती तो अपना अस्त्र छीन लो इस देवी से, छीन लो। बोल, तेरा अस्त्र चाहिए तुझे तो तू क्यों कष्ट करता है? तू रुक जा वहीं, मैं स्वयं आती हूँ। इतनी तीव्र गति है इस देवी की कि मुझे स्पष्ट दिखाई भी नहीं दे रही है। कहाँ कहाँ है वो?
बाहुभुज को दंडित कर रही है देवी काली। जिस बाहुबल का प्रयोग उसने निर्दोष असुर स्त्रियों और राक्षसियों के भक्षण के लिए प्रयोग किया था, उसके वही बाहु उससे छीन रही है देवी काली। बाहुबुज कदापि नहीं मर सकता, कदापि नहीं। देवी काली, दंतक और बाहुभुज दोनों का अंत हो गया। देवी की दृष्टि तो मुझ पर ही स्थिर है। तो माता, माँ तारा और माँ काली ने दंतक और बाहुभुज का अंत कर दिया था। माता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर तो एकाक्ष की बुद्धि आ ही गई होगी। वो अवश्य अपने घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाकर माँ से क्षमा याचना कर रहा होगा, अपने प्राणों की भिक्षा मांग रहा होगा, है ना माता? नहीं गणेश, इसके पश्चात एकाक्ष और छिन्नमस्ता के मध्य एक भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। नारी शक्ति का स्वरूप है, सृष्टि की प्रत्येक रचना की जननी नारी, उसका अपमान करने वाले अवश्य दंड के भागी होते हैं।